राधे राधे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। भाई अगर आप भी माउंटेन्स में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल कोई हिल स्टेशन जा रहे हो एंड अपने कार से जा रहे हो, अगर आप समझ रहे हो कि आप एक एक्सपर्ट ड्राइवर हो एंड इससे पहले आपने कभी माउंटेन्स में ड्राइव नहीं किया है तो थोड़ा सा इस वीडियो को देख लो। अगर फर्स्ट टाइम माउंटेन में जा रहे हो आपको समझ के रखना चाहिए कि अगर आपको खुद से कार ड्राइव करके ले जाना है तो वहाँ पर कई तरह की मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। जो नॉर्मल रोड पे चलाना है मैं आप एक्सपर्ट हो, आई अग्री। जो आप माउंटेन्स जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ अपने एक्सपीरियंस के बेसिस बता रहा हूँ, ठीक है, मैं भी अपने आप को एक्सपर्ट ड्राइवर समझता हूँ। बट जब मैं मसूरी से आगे गया, सबसे पहले क्या हुआ कि हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था वो था लैंडोर, ठीक है, हमें लैंडोर जाना था। जब हम गूगल मैप के थ्रू लैंडोर जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ ना कि गूगल मैप ने एक दूसरा रास्ता दिखा दिया जो मसूरी से होकर नहीं, मसूरी के बाहर बाहर से लैंडोर पहुँचाते हैं, ठीक है, मतलब डायरेक्ट हम लैंडोर ही पहुँचाते हैं। चलो ठीक है भाई, हमने वो रास्ता ले लिया वहाँ जाने के लिए। अब वो रास्ता ना बहुत ज़्यादा इंक्लाइन था, मतलब कुछ ऐसे आप समझ लो वो था। तो स्टार्टिंग में तो मैं जाते गया, चलो ठीक है, जा रहे हैं आराम से मस्त, जो कि मेरे कार में 6 पीपल थे, मतलब एक बेबी और हम 5 एडल्ट, तो हम आराम से जा रहे। कुछ टाइम जाने के बाद ऊपर भाई इंक्लाइन बढ़ता ही गया, मतलब आप समझ लो एक नंबर में मैं कम से कम 1 किलोमीटर तक जा रहा हूँ, वो भी इंक्लाइन पे, ठीक है। उसके बाद जाके एक जगह पे क्या हुआ कि सामने से पानी, मतलब रोड पे पानी था इंक्लाइन पे, वहाँ जाके जो मेरा आगे का चक्का है ना वो स्किड करने लगा, मतलब राउंड करने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई गाड़ी रुक गई, तब जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ भाई गाड़ी आगे नहीं जा रही, गाड़ी पीछे की तरफ जाने लगी है। भाई आप सोचो ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गया, क्योंकि एक तो पहाड़ी वाला रास्ता, ऑलमोस्ट सिर्फ उतना ही रास्ता था उसमें जिसमें एक सामने से एक बगल से जा सकती गाड़ी, मतलब दो गाड़ी का रास्ता, उसमें गाड़ी पीछे जा रही है। साथ में मेरे घर में जो, मतलब मेरी फैमिली मेंबर जो थे वो थोड़ा घबरा गए, ऑब्वियसली मतलब मम्मी घबरा गई, अरे गाड़ी पीछे जा रही है, ऐसे पहाड़ है। फिर भी मैंने मतलब दिमाग से काम लिया, मैंने पहले रुको, क्योंकि गाड़ी आपकी स्टेबल है, आप गाड़ी को रोक सकते हो, तो मैंने सबसे पहले गाड़ी को स्टेबल करा, रोका, ठीक है। उसके बाद अपनी फैमिली में सबको उतार दिया, भाई तुम लोग पहले गाड़ी से साइड हो जाओ ताकि सेफ्टी सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतने में पीछे से गाड़ी आ गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं जैसे ही गाड़ी को आगे पिक करने का कोशिश करता गाड़ी को पैस कर रहा था, और उसके बाद तो भाई पूरा धुआं हो गया। आपको जानते हो कि जब टायर बर्न होता है तो कितना ज़्यादा महकता है, धुआं होता है, बहुत धुआं लग गया। इतने में लंबी जाम भी लगी, सामने से कोई आ रहे थे वो लोग भी रुक गए, ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत ही नैरो है। अब मैं भी एक सेकंड के लिए परेशान हो गया। तो देखो, अब इस सिचुएशन में आपको सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। अगर आप पहली बार जा रहे हो तो मैं आपको एक छोटा सा इसका ट्रिक बता रहा हूँ कि आप तो कैसे टैकल कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ है कि भाई जब ऑल्टो जा रही है, वैगनार जा रहा है, सब जा रहा है, तो मेरी गाड़ी क्यों नहीं जाएगी, सिंपल सी बात है। तो सिर्फ गाड़ी पे नहीं, ड्राइविंग पे भी स्किल्स होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले गाड़ी अगर आप जा रहे हो सबसे पहले तो आप कोशिश करो कि आपकी गाड़ी रुके ना, ठीक है, एकदम एक सिंपल एक स्पीड में आप इजीली इसको लेके जा रहे हो। बट फिर भी क्या होता है कि हम जा रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ट्रैफिक जैम लग गया, फॉर एग्जांपल हम कैंपटी फॉल जा रहे थे तो वहाँ भी बहुत इंक्लाइन था एंड वहाँ पर ट्रैफिक जैम लग गया एंड गाड़ी कैसे चली, ट्रैफिक जैसे हम दिल्ली गुड़गांव ट्रैफिक में चलते हैं ना वैसे गाड़ी चल गई, हल्का सा आगे गया फिर रुक गया, फिर हल्का सा आगे गया रुक गया। तो सोचो उस सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान को कितना ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। तो देखो क्या करना है, बहुत ईजी वे है उसके लिए। आपको सबसे पहले तो हैंड ब्रेक एकदम प्रॉपरली उसको दबा के रखो, ठीक है। अब जब हम गाड़ी पिक करते हैं तो हम क्या गलती करते हैं ना, एक बार में पिक करते एक्सीलेटर ज़्यादा कर देते हैं, इस हम सोचते हैं ना कि ज़्यादा एक्सीलेटर कर देंगे ज़्यादा स्पीड में निकल जाएगा गाड़ी, लेकिन ऐसा करना नहीं है। आपको हाफ क्लच छोड़ना है और हाफ एक्सीलेटर दबाना है। आपको सिंपली एग्जांपल बताऊँ, जब आप स्टार्टिंग में गाड़ी सीख रहे थे ना तो हमें ये बोला था ना कि यार हल्का हल्का क्लच छोड़ो, आधे पे क्लच रखो, उसके बाद हल्का सा एक्सीलेटर दबाओ, गाड़ी स्मूथली आगे बढ़ेगी। वही चीज़ आपको यहाँ पे हैंडल करना है, हाफ क्लच छोड़ना है, गाड़ी पे कोई एक्सीलेट करना है, हैंड ब्रेक दबाना है। हैंड ब्रेक को कब ऑफ करना है, जब आपकी गाड़ी हाफ क्लच पे और एक्सलेटर पे आगे की तरफ झटका मारे। एग्जांपल है कि अगर आप गाड़ी को हैंड ब्रेक रखते हो तो आप एक्सलेट करते हो, गाड़ी आगे की तरफ कोशिश करती है जाने की, ठीक है, जैसे वो कोशिश करिए आप हैंड ब्रेक नीचे करो एंड उस लेवल पे ही अपनी गाड़ी को रखो। एग्जांपल कि ऐसा नहीं कि आप गाड़ी भर गया तो अचानक से पूरा क्लच छोड़ दिए, नहीं, तब तक क्लच ना छोड़ो जब तक आपको लगे नहीं कि हाँ अब आगे बिना क्लच की जा सकती है, तो उसके बाद धीरे धीरे पूरा क्लच छोड़ो। भाई अगर इस ट्रिक को अपनाओगे तो आप इजीली कितना भी इंक्लाइन है अगर वहाँ गाड़ी जा सकती है तो वह जाएगी। एंड भाई इस ट्रिक से ही फिर मैंने वहाँ समझ गया ये ट्रिक है ऐसा, क्योंकि भाई मैंने कहा यार वैगनार वाला आया मस्त चला गया, मैंने कहा यार ऐसे कैसे चला गया भाई, मतलब थोड़ा सा खुद भी था ना कि भाई फैमिली के साथ है क्या करना है नहीं करना है। फिर मैंने कहा रुको, मैंने फैमिली को बताया, मैंने कहा भाई रुको मुझे पहले R&D करने दो, क्योंकि मुझे, मैं लिटरली बता रहा हूँ इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है, इतना ज़्यादा ऊंचा, क्योंकि मैं पहले भी हिल स्टेशन में गया था, सब जगह गया था, ऐसा फेस नहीं किया था, लेकिन उस टाइम में भाई ये पहली बार मेरे साथ ऐसा और था। तो उसके बाद जब मैंने ये चीज़ सोचा ना कि अच्छा हम ऐसे करके
इजिली गाड़ी को आगे लेके आ सकते हैं भाई, उसके बाद मेरी गाड़ी इजिली वहाँ से निकल के चली गई। तो भाई आप जा रहे हो तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा या तो पहले प्रैक्टिस कर लो, तो भाई इस चीज़ को ध्यान रखना। एंड वहाँ पे कहीं भी ट्रैफिक लग सकता है, ठीक है, इंक्लाइन डिक्लाइन से कोई मतलब नहीं, ट्रैफिक कहीं लग सकता है। फॉर एग्जाम्पल लाल टिब्बा नाम का वहाँ पे एक जगह है लैंडोर में, जो सबसे हाईएस्ट प्लेस है। जब मैं वहाँ जा रहा था तो भाई एकदम रास्ते में कोई नहीं, मतलब एक तो वन वे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंक्लाइन पे जा रहे हो सामने से गाड़ी आपको गाड़ी रोकना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ ह्यूमैनिटी नाम की भी चीज़ होती है, सामने से कोई गाड़ी आ रही तो उसको पता है कि उसको उतरना है, उसको कोई स्ट्रगल नहीं करना है। तो अब कुछ बंदे होते हैं ना कि मैं क्यों ही रुकूं, ठीक है, तो उस टाइम अगर आपको रुकना पड़ गया तो भाई आपके लिए वो स्ट्रगल है, क्योंकि आपको वापस इंक्लाइन पे गाड़ी को चढ़ाना है। तो इसलिए भाई अगर आप जा रहे हो तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के जाओ कि आपको इंक्लाइन पे कैसे गाड़ी चलाना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे आपको ना पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। तो गाइज अगर आपके पास कुछ और भी ट्रिक है या किसी ने कुछ फेस किया है पहाड़ों में या कभी ऐसा कुछ, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। एंड मैं आपको ये ट्रिक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इस ट्रिक से ही पूरा का पूरा ट्रिप अपना अच्छे से एक्सप्लोर किया। ये बहुत ज़्यादा हाइट पे, मतलब जब हम दूसरे दिन लाल टिब्बा जा रहे थे तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक जैम लग गया कि आप पूछो ही मत, ठीक है, इतना ज़्यादा लग गया कि भाई हर तरफ ट्रैफिक। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पता है नुकसान किसका हुआ है, इन ऑडियो वाले भाई सब का। भाई देखो इससे वो चीज़ जो मैं इंक्लाइन के लिए बोल रहा था वो चीज़ हो नहीं पाया, क्या हुआ मुझे ये पता नहीं एक्चुअली, बट ऐसा लग ही रहा है कि देखो इस ऑडी का क्या हाल हो गया भाई। Q8 है इसका, सोचो कितना महंगा प्राइस है। एंड इसका पीछे का बंपर देखो कितना ज़्यादा घिस गया। चलो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, इतना पैसा है कोई दिक्कत नहीं है, वापस बनवा लेंगे। लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि सिर्फ स्क्रैच ही नहीं, एक मेजर एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर आपकी गाड़ी पीछे की तरफ जाती है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ना एकदम दिमाग में सेट कर ले कि भाई कैसे अपने आप को वहाँ बचाना है, कैसे ड्राइव करना है। बचाना तो ना कुछ नहीं है भाई, सिंपल, बहुत सिंपल लॉजिक है कि आपको इंक्लाइन पे कैसे ड्राइव करना है। भाई कोई क्वेश्चन है ना प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करके भाई आपके साथ क्या हुआ है। एंड कोई अगर माउंटेन हिल स्टेशन से वहाँ कुछ देख रहा है तो आप भी प्लीज़ कुछ बताएं कमेंट में, ताकि लोग जो नॉर्मल पीपल हैं वो जा रहे हैं तो अपने आप को उस चीज़ के हिसाब से ढाल सके। ओके, तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।